हमने विधानसभा में अशरफपुर मामले को आप साइड खोल करके चेक कर लीजिए, हमने उठाया था, दोबारा हमने फिर कोशिश किया मगर क्योंकि हाउस नहीं चला, दो ही दिन चला हाउस। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अशरफपुर जो है पुल आप लोगों के आशीर्वाद से सत्ता पक्ष तो हमारे नहीं है, मगर हम इतना आप यकीन दिलाते हैं कि विधानसभा में आवाज उठा के वहाँ जहाँ से कानून बनता है बिगड़ता है और जहाँ से सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट होता है कह लीजिए, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि विधानसभा में हम इस बार फिर बजट सत्र में अभी उसे 20 तारीख से हाउस चलने जा रहा है तो हम कई मामले विधानसभा को उठाएंगे, वो आपके सामने दिखाई भी पड़ेंगे। अभी वैसे पुल भी हम इसी बजट सत्र में हम बहुत मजबूती के साथ उठाने काम करेंगे। पीपा पुल बनवा दीजिए जब तक हम आप जल्दबाजी मत कीजिए है ना, जल्दी का काम जो है शैतान से होता है ना, सब्र करिए है ना, धैर्य से काम लीजिए, इंशाल्लाह मा साबरीन, और धैर्य में बड़ी ताकत होती है ना, और जो है सब्र कीजिए, अब आप तो वही पुल बनेगा और फिर गोमती नदी पे पुल बनेगा जो भी है, और पक्का पुल बनेगा, ठीक है, आप बात सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का पुल बनेगा, आप भरोसा रखिए, नहीं इस बार हो पाया है अगली बार बने, आप बने सब्र रखिए बनेगा, मैंने कहा ना धैर्य से, अभी 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 जो है हमने ये सुनिए सुनिए भाई, सुल्तानपुर से हलियापुर मार्ग ये हमने चौड़ीकरण के लिए आवाज उठाई, ठीक, नियम 51 और नियम 51 और नियम 301 के तहत उठाया, मगर इसको हाँ उसके बाद बजट सत्र में भी उठाया था। सौली से बल्दीरा की रोड जो है बनना तो शुरू हो गई है, इसमें लोगों को बड़ी खुशी है, कैसी बनेगी सड़क ये? देखिए आप देखिए इसौली से देवरा तक बल्दीरा पारा होते हुए देवरा तक इसको हम जोड़ेंगे और देवरा तक है ये सड़क 12.7 किलोमीटर है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और एकदम प्लांट से बनेगी जो है, एकदम बन रही है, पेट का पानी नहीं हिलेगा ये भरोसा रखें आप, पेट का जो भी गड्ढे हैं गड्ढा मुक्त होते हुए पेट का पानी नहीं, मैंने इसको विधानसभा में उठाया था, इसी पिछले बजट सत्र में उठाया था और यही नहीं उठाई थी मैंने, इसौली देवरा मार्ग कुड़वार अलीगंज मार्ग उसके अलावा सैकड़ों सड़कें जो हमारी जो है गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं उसको हम लगभग सही कर लिए हैं काफ़ी हद तक, और अभी इसी सत्र 2023 तक हम अपनी पूरी विधानसभा को गड्ढा मुक्त कर देंगे और ज़्यादातर हम सड़कें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ले रहे हैं और जो 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक की सड़कें हैं उनको हम पूरी विधानसभा की सड़कें रिकंडीशनिंग में और चौड़ाई में उच्चीकरण में ले लेंगे। दूसरी बात ये जो हमारी अलीगंज से मिटने घाट होते हुए है और पर ये जाएगी प्रभात नगर तक, दिल्ली होते हुए आपके बघौना होते हुए जाएगी, इस पर लगभग 65 करोड़ की लागत से इसी साल सुना जा है जल्दी मंजूर होकर के आ जाएगा, बहुत तेजी से काम इस पर चलेगा। देखिए लाइटें लगवा रहे हैं आप, इसका क्या मकसद लाइट लगवाने का? देखिए अभी जहाँ पे हम आए हैं यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है कलान देवी, यहाँ पर इसी माह क्योंकि वो चल रहा था आचार संहिता चल रही थी जिसकी वजह से नहीं लगवा पाए, लिस्ट में शामिल है, इसी माह ईश्वर ने चाहा इसी फरवरी में यहाँ पर अच्छी हाई मार्क्स लाइट लग जाएगी और लगभग किराए पे लगेगी जिससे पूरा गांव भी कवर करेगा, मंदिर भी कवर करेगा, और उसके अलावा जो है हमारा प्रयास है कि हम अपनी विधानसभा का कम से कम 2 से 3 घंटा बिजनेस को जो 6 बजे ब्रेक हो जाता था इसको हम 9-9:30 बजे तक ले जाना चाहते हैं बिजनेस, कि 9-9:30 बजे तक क्योंकि लॉकडाउन के बाद नोटबंदी के वजह से बस से बदतर हालात हो गए थे हमारे प्रदेश के हुए और जिसमें हमारी सोली विधानसभा के हालात बहुत ही ख़राब हुए, यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग धंधे नहीं हैं, तो हमारा प्रयास है कि लोग उजाले में बहन बेटियाँ सेफ भी रहेंगी, साथ साथ जो हमारे मौर्या पाल विश्वकर्मा कहार कुहार या मुस्लिम हिंदू में जो छोटी जातियाँ हैं बेचारे हैंड टू माउथ हैं पान की दुकान वाले और सारे लोग या जो जूते के काम वगैरह करते हैं या जो सब्जी वगैरह काम करते हैं इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम इसको कमीशन वाले और सारे लोग या जो जूते के काम वगैरह करते हैं या जो सब्जी वगैरह काम करते हैं इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम इसको कम से कम 9-9:30 तक खींचेंगे और हमारा प्रयास है लगभग मैंने 36 हाई मार्क्स लाइट लग चुकी है अब तक जो है और अभी हम इसी महीने फरवरी तक मतलब एक साल हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, ईश्वर की कृपा होगी और हमारी जनता का आशीर्वाद होगा तो हम मार्च में हमारा एक साल पूरा होगा, हम एक साल पूरा होते होते
हम लगभग 86 हाई मार्क्स लाइट चौराहों पे बड़े बड़े गांवों में मंदिर मस्जिद के पास शमशान घाट पे और जो है प्रायोरिटी जो है बड़ी बाजारों को लेना कि ताकि हमको चोरी से और उनको सेफ करना, क्योंकि दुकानों में अक्सर करके कई बार इधर बीच में कई जगह पे घटनाएं हुई, उसको देखते हुए हम जो है जितनी बाजारें हैं इसोली विधानसभा के किसी भी जात धर्म के लोग उस वहाँ पे बिजनेस करते हों इससे हमसे मतलब नहीं है। मेरे लिए सारी जात धर्म के लोग राष्ट्र से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत ईमान है, और अगर जो है इसमें कहीं से भी हमें कहीं कोई कमी दिखाई पड़ेगी तो मैं तुरंत वहाँ पर सड़क और बिजली पानी जो भी हमसे बन पड़ा है, अभी हमने जल शक्ति मिशन के तहत मुझे विधानसभा में उठाया था, क्वेश्चन भी किया था कि हमारे पूरी विधानसभा को जो है वो जल शक्ति मिशन के तहत लिया जाए, लगभग ले लिया गया है। इसके मगर यह है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, कि उसके लिए दिक्कत यह है कि ये जो इन्होंने जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, वो बहुत ही घटिया किस्म का जो है, बहुत ही थर्ड क्लास के जो है, जिसमें अभी परसों हमने सीडीओ सुल्तानपुर से बात करके जो घटिया किस्म की पाइपें लग रही हैं इसकी हम जो है थोड़ी जांच कराएंगे, और इसी बजट सत्र में हम जो है इस पे मजबूती के साथ उठाते हुए अगर घटिया किस्म की पाइप नहीं हटाई गई तो उस पर हम विधानसभा में क्वेश्चन करके उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कराएंगे जो है। और उसके अलावा जो है हमने जो है जो एक टारगेट था कि 11 लाख रिक्त पद जो खाली पड़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उस भरे जा रहे हैं। हमारा मेन हमारी पार्टी का और हमारा मेन टारगेट है कि समाजवादी पार्टी का कि मेन टारगेट है कि हम नौजवानों के चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं, तो हम इसी सरकार से काम लेंगे और उनके चेहरे पर जब तक खुशियां बिखेर नहीं देंगे हम बैठने वाले नहीं है जो है। और इसके अलावा जो है हम किसी भी ब्लॉक पर या सीसीपीसी सेंटर पे अब हम कंटिन्यू निरीक्षण कर रहे हैं कि हम कहीं भी दवाओं की कमी जो है पूरे विधानसभा में, क्या ये विधानसभा छोड़िए, हम पूरे जिले में दवाओं की कमी नहीं होने देंगे, ये हमारा टारगेट है।